प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने नोटा को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के द्वारा नोटा को लेकर दी गई समझाइश का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में मोहन भागवत नोटा के बारे में जानकारी दे रही हैं, जिसमें वो मौजूदा कैंडिडेट में बेस्ट को चुनने के लिए मत का इस्तेमाल करने का पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि नोटा का विकल्प हमारे हित में नहीं है। लोकतंत्र में उपलब्ध प्रत्याशियों में से जो सर्वाधिक योग्य लगे उसे अपना मत देने में ही समझदारी है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इंदौर की लड़ाई अब नोटा पर आ गई है। नोटा को लेकर जहां कांग्रेस माहौल बना रही है, तो बीजेपी इसका विरोध कर रही है। आज बीजेपी किस तरीके से विरोध जाहिर करने वाली है? देखिए, ये जो पूरी लड़ाई है ये बीजेपी वर्सेस नोटा हो चुकी है। हालांकि आज जो बीजेपी के कार्यक्रम थे उस कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। वजह है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो है गोविंद मालू जी, उनका आकस्मिक निधन हो गया है और उनके निधन की वजह से ये पूरे कार्यक्रम को आज जो इंदौर में होने थे सभी कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। अब नोटा और बीजेपी की लड़ाई में इस वक्त बीजेपी के सामने नोटा बड़ी चुनौती बन चुकी है। कांग्रेस एग्रेसिव मोड में, कांग्रेस लगातार अलग अलग तरीके से नोटा को लेकर अभियान चला रहे, अपील कर रही लोगों से नोटा के समर्थन में वोट डाले इस बार, चाहे वो स्टिकर अभियान हो या फिर नोटा की चाय पिलाकर अभियान हो, अलग अलग अभियान कांग्रेस से देखने को मिल रही। अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अगर कांग्रेस के अभियानों की बात की जाए तो कांग्रेस इतने एग्रेसिव मोड में कभी नजर नहीं आई इंदौर के चुनाव में, लेकिन इस बार नोटा को लेकर काफी एग्रेसिव नजर आ रही है। नोटा थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जा चुका कांग्रेस की तरफ से, यानी 2 लाख गाड़ियों में जो लक्ष्य रखा गया था नोटा स्टिकर लगाने का, वो कांग्रेस ने पूरा भी कर लिया। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंदौर की 2 लाख गाड़ियों में उन्होंने नोटा स्टिकर लगा दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी अब नोटा के विरोध में जो है अब वो प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी है। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता जो है वो फ्रंट पर आ चुके हैं, लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि नोटा अपील जो बात कर रही है कांग्रेस वो पूरी तरीके से गलत है और तमाम चीजों को लेकर इस वक्त बड़ी बातें कही जा रही हैं कि अगर आप नोटा को वोट देते हैं तो आपका वोट जो है वो सही नहीं जाएगा। लोकतांत्रिक देश है, इसमें आप चुनिए, आपका अधिकार है, लेकिन नोटा को समर्थन देना कहीं ना कहीं गलत है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने यह तक कह दिया है कि ये कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। कल इंदौर में उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उसके दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश अध्यक्ष ही नोटा की बात कर रहे हैं, नोटा को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है। ये एक बड़ा कदम होगा जब लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन अब इंदौर में नोटा और बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल रही, क्योंकि कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं है, उनका कोई भी कैंडिडेट इंदौर से चुनाव नहीं लड़ रहा है। इस बार जब मतदान करने जाएंगे तो हाथ का पंजा नजर नहीं आएगा और इस बार हाथ के पंजा की जगह पर नोटा का बटन दबाने की कांग्रेस अपील कर रही है। विवाद बढ़ता जा रहा है, सियासत जो है नोटा को लेकर तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मैदान पर आ चुके हैं कि आखिर जनता क्या करेगी। अभियान तो दोनों ही पार्टियों के चल ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात एमपी में चौथे चरण को लेकर प्रचार प्रसार की, जहां मुख्यमंत्री